वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस गुप्ता। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी अभी हम आए हैं, देख सकते हैं आप मेरे बालों में जूड़ा लगा हुआ है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मौसम आज का कितना सुहाना है। आज मौसम घूमने वाला है, कहीं प्लानिंग करें घूमने जाने की। कल तो मार्केट घूम के आए। ये दोनों बाहर क्यों रो रहे हैं लोग? सो गाइस, अभी मैं आई हुई हूँ बुल्ले को लेकर के हॉस्पिटल दिखाने, क्योंकि बुल्ले की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसे सर्दी जुकाम हो रखा था, फीवर भी आ रहा था और वीक बहुत हो रखा है, इसलिए उसे मैं दिखाने आई थी। तो यहाँ पर नंबर लगा था और मैं वेट कर रही थी, थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, इस वजह से काफ़ी लेट हो गया था मतलब। और अभी यहाँ पर डॉक्टर जी पूजा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब। तो पूजा होने के बाद हम बुल्ले को दिखाएँगे, उसके बाद घर जाएँगे। क्या मौसम है देखिए, इतना गजब का मौसम। सो गाइस, शाम के 5:30 हम निकल गए भाई के साथ घूमने बाइक पर। बादल को देखिए, कितना मस्त व्यू आ रहा है। तेल लगा पायल ठंडा, सर दर्द रहे, बाम लगा दो, बाम। हाँ बाम लगा दो, बाम लगा सकते हो, ठंडा तेल ना लगाओ, बाम लगा, बाम लगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये वही भैया हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है और इनके साथ ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है कि आज इस कंडीशन में भैया यहाँ बैठे हुए। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है, पर वही है कि अभी थोड़ा सा पैरालिसिस अटैक की वजह से और दिमाग में पड़ा था, जिसकी वजह से चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी कभी पहचानते हैं पर कभी कभी भूल भी जाते हैं। और हल्का सा मुँह पर आप देख सकते हैं, मुँह भी टेढ़ा दिख रहा है भैया का। तो जब भी भैया से कोई मिलने आता है, भैया बहुत ज़्यादा भूलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके सर में दर्द हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं। और उनके बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं और कभी कभी बहुत ऐसी मजाक वाली बातें करते थे, सब लोगों को हंसी आने लगती है। जो इंसान एकदम सीरियस हुआ करता था, आज ऐसी कंडीशन में। लेकिन सच में भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो उन्होंने ठीक कर दिया, और भी इतनी जल्दी। आप लोग समझ सकते हैं, जो पैरालिसिस अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनकी कंडीशन इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। तो ये यहाँ पर हमारी ताई जी और दीदी लोग आई हुई थी देखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं सब लोग कैसे हंसते हैं, मानते नहीं हैं, बोल रहे हैं निकाल लेते हैं आप सभी को दिखाने के लिए। हल्का लगा बिल्कुल पायल, हल्का, बिल्कुल हल्का, बस बस हल्का हल्का छुआ, हाँ बस उसी में रगड़ दो उंगली तुम, हल्का सही से रगड़ दो। लो, लड़ाई शुरू होने वाली है, कुछ ही मिनटों में लड़ाई शुरू होने वाली है। ये देखो 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 कैसे चूटी काट रहा है उसको। बुल्ले को आज डॉक्टर को दिखा के आए। शैतानी जा रही है बच्चों। लाडो गंदी बात नहीं मानी, काट दो, दांत काट ली, काटा दांत, दांत काटा, गंदी बात, दांत काटती तो जीत जाता है वो। लाडो पिट्टी लगा देंगे और दे 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 दे, दे, दे।
मजा आ गई, मजा आ गई। अरे भाई मुंह में ना लग जाए खिलवाड़ खिलवाड़ में। देखो 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 सर ना बेड़ ले ऐसे। ने बुल्ला ये उठी लड़ो, जा रही है पानी लेने मामी से। फ्रिज में हाथ नहीं बेटा, अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुम गिरे कैसे? इसीलिए कहते हैं ना पैर सीधे कर, लग गई ना सर में, इसीलिए कहते हैं सीधे पैर करके बैठा करो। हाँ अब ये भी जा रहे हैं। बैठ के पियो पानी, बैठ के धीरे से पियो बेटा। हाँ पियेंगे कम दद्दा फैलाएंगे अभी ये। सो गाइस रात के बज गए 11, देख सकते हैं सब लोग यहाँ सो चुके हैं। तो मुझे याद आया, मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लेते हैं, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाय।